यह क्षेत्र अति प्राचीन और अतिशयकारी है। इसे क्षेत्र पर 40 से 50 वर्ष तक अन्य समाज का कब्जा था, जो 2016 में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर महाराज की कृपा दृष्टि और उनके मंगलमय आशीर्वाद से यह क्षेत्र दिगंबर जैन समाज के लिए फिर से वापस मिला। और यहाँ पर पहाड़ी पर भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी जी का भव्य जिनालय बनकर के तैयार हो गया है, जहाँ पर 35 फण वाले पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। ऐसे उसे जिन मंदिर के दर्शन करने का हम सभी लोगों के लिए आप सभी को आकर के यहाँ पर लाभ लेना है। और यहाँ की विशेषता यह है कि इसे पार्श्वदेव तीर्थ क्षेत्र पर अतिशयकारी अति प्राचीन रोग शोक संकट निवारक है शनिग्रह अरिष्ट निवारक भगवान मुनिसर स्वामी जी का यहाँ पर बहुत बड़ा अतिशय है, जिनकी भव्य प्रतिमा पूर्णा नदी से बहकर के यहाँ पर प्राप्त हुई है, जो अष्ट प्राप्तिहारी युक्त है, जिसका प्रतिदिन यहाँ पर भगवान के शांति मंत्र और अभिषेक यहाँ पर होता है। जो भी भव्य प्राणी यहाँ पर आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते, उनके सभी रोग शोक संकटों का निवारण होता है। सब प्रकार के मनवांछित पल सिद्धि को वह प्राप्त करते हैं, सभी मनोकामनाएँ उनकी सिद्ध होती हैं। ऐसे अतिशयकारी भगवान मुनिसर स्वामी जी का आप सभी लोग यहाँ पर अभिषेक करके पुण्यजन प्राप्त करें। और यहाँ पर तलहटी में चिंतामणि सहस्रमणि पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर भी बनकर के तैयार हुआ है। 1008 फण वाले भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी उतुंग पद्मासन में 13 फिट यहाँ पर विराजमान है, उनका भी अभिषेक दर्शन करके आप सभी पुण्यजन प्राप्त करें। यहाँ पर साधुओं की रुकने की आहार की व्यवस्था, निहार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर है। श्रावक गण भी यहाँ पर आते हैं तो उनकी भी यहाँ पर रुकने की समुचित व्यवस्था है। जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन निर्माण कार्यों में आप अपना सहयोग दे करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं मम हम सं तं पं वं वं मम मम हम हम सं सं तं 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 जं इं जिं द्रिं द्रिं द्राद्र द्रिद्रि द्रवय द्रवय ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धव्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते मुनिसुरत्ना तीर्थंकराय पार्श्वनाथ तीर्थंकराय दादनस्पृष्टाय शुक्लध्यान पवित्राय स्वंगाय स्वयंबुधे सिद्धाय बुद्धाय परमात्माने परम सुखाय त्रैलोक्यसमाप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यपुंजकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मे धर्मेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषिकारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग विनाशनाय घाती कर्मनाशनाय घाती कर्मनाशनाय शांति धारा कर्तारस्य संघस्य परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य भगवान आदिसागर जी परंपरा आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी आचार्य भगवान विमल सागर जी तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी आचार्य कुंतु सागर जी आचार्य भगवान सुवीर सागर जी चतुर्विश संघर्ष शांतिधारा कर्तारस्य परिवारस्य अपवायम अस्माकम् मृत्युभयं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे अतिकामं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे प्रतिकामं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे क्रोधं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे अग्निभयं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वशत्रुभयं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वोपसर्गं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वविघ्नं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वभयं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वराजभयं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वचोरभयं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वदुष्टभयं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वमृगभयं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वमात्यक चक्रभयं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वपरमन्त्रं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वशूलरोगं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वयक्षरोगं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वकुष्ठरोगं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वक्रूररोगं चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वनरमारी चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वगजमारी चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वशुमारी चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वगोमारी चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वमहिषमारी चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे सर्वधान्यमारी चिंचिन्दे बिन्दे बिन्दे
सर्वरक्षमारी चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्वगुल्लमारी चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्वपत्रमारी चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्वपुष्पमारी चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्वफलमारी चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्वराष्ट्रमारी चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्ववीशमारी चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्ववेताल शाकिनी डाकिनी भयम् चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्ववेदनीयम् चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्वमोहनीयम् चिंचिंदे बिंदे बिंदे सर्वकर्माष्टकम् चिंचिंदे बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्रयुगम तेजोबलम व्योर शांति गुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर केट करवट मट्टंदोन मुखासवानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वजमानंदनम गुरु गुरु सर्व दुख हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कोट कोट शीघ्र शीघ्र सर्वशमानहु पट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हस्यावसाय अनातिद्याय नमो अर्हंतानम हि सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा। शांति शिरोदत जिनेश्वर शासनानां शांति निरंतर तवो भव भावितानां शांति कषाय जय वैवित वैभवानां शांति स्वभाव महिमान पुंगतानां संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशेषु राष्ट्रेषु करोतु राज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्रं। श्री पार्श्वोदय अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र जो महाराष्ट्र के नागढाणा की सुरम्य पहाड़ियों के मध्य अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है, जिसका जीर्णोद्धार का कार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुवीर सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से अनवरत रूप से जारी है। इसके अलावा तीर्थ पर पहाड़ मंदिर, पहाड़ी सीढ़ी, आदिनाथ गौशाला, संत भवन एवं आधुनिक यात्री निवास का कार्य भी प्रगति पर है। इसी पार्श्वोदय तीर्थ पर चतुर्थकालीन अतिशयकारी भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की दिव्य प्रतिमा पूर्णा नदी से बहकर आई थी, जिसका प्रतिदिन प्रातः 9 बजे अभिषेक एवं शांतिधारा किया जाता है। शांतिधारा का सौभाग्य मात्र 2100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र पर आने का मार्ग बैतूल से 70 किलोमीटर, नागपुर से 100 किलोमीटर, छिंदवाड़ा से 110 किलोमीटर एवं मुक्तागिरी से 80 किलोमीटर स्थित है, जिसमें आप भी अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर पुण्य लाभ ले सकते हैं। आप अपनी राशि दिए गए अकाउंट नंबर पर जमा करा सकते हैं। सुवीर संस्कार मंच अकाउंट नंबर 04662001386, IFSC कोड BARB0GANNAG, अकाउंट नेम बैंक ऑफ बड़ौदा, गांधीबाग, नागपुर। बुकिंग हेतु संपर्क करें 7517611108 या 94228577। स्थान श्री 1008 पार्श्वोदय दिगंबर जैन तीर्थ, नागठाणा, वरुड़, जिला अमरावती, महाराष्ट्र।